आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर उठाए सवाल, कहा भारतीय सेना फिंगर 3 पर क्यों लौटी। राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना हमेशा फिंगर 4 पर रहती, फिर वापस क्यों लौटी। राहुल गांधी का आरोप, पीएम नरेंद्र मोदी भारत की जमीन चीन को उन्होंने दी, फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन चीन को सौंपी। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पका दी है। राहुल गांधी ने कहा कैलाश रेंज तक पहुंच चुकी थी हमारी सेना, उसे पीछे हटने को क्यों कहा गया, रक्षा मंत्री इस परिस्थिति साफ करें। राहुल गांधी ने कहा हमारी सेना चीन से सामना करने को तैयार, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी भारत माता का टुकड़ा चीन को उन्होंने सौंपा, चीन के सामने खड़े नहीं हो सके। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। राहुल गांधी ने कहा मुझे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जनता पर भरोसा, कहा देश की सुरक्षा पीएम मोदी की जिम्मेदारी जिसे वो निभा नहीं सके। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर दी है जानकारी, फिंगर 8 की तरफ लौट रही है चीन की सेना। समझौते के मुताबिक धीरे धीरे करेंगे सेनाओं की वापसी दोनों देश, अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने पर बनी सहमति। एलएसी के मुद्दे पर तेज हुई सियासत, राहुल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा चीन को जमीन किसने दी है, ये राहुल गांधी अपने दादा और नेहरू से पूछे, कौन कायर है कौन देशभक्त ये देश की जनता जानती है। भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना जवाहरलाल नेहरू साहब। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा राहुल गांधी की बुद्धि कुंद हो गई है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तबाही करेंगे कि बेसुरी तान और बेसुरे स्वर खुद इनका जो है वो बंटाधार और इनका कबाड़ा और तबाही करेंगे। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने बुलाया है 12 घंटे का बंद, बर्दवान में सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। सड़क पर जाम हटाने को लेकर हंगामा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। कांग्रेस ने किया है बंद का समर्थन, पुलिस की कार्रवाई का विरोध। कोलकाता में कल लेफ्ट और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे थे सड़क पर रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की थी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, पुलिस के साथ हुई थी झड़प। कोलकाता में लेफ्ट के बंद का दिखा असर, दमदम कैंट और दुर्गानगर के बीच रोकी गई रेल सेवा। न्यूटाउन के पत्थरघाट बाजार में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, तनाव के बाद पुलिस पहुंची मौके पर। उत्तरी 24 परगना के अशोकनगर में लेफ्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, रेल सेवाओं पर भी असर। हावड़ा में लेफ्ट कार्यकर्ता उतरे सड़क पर, पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का किया इस्तेमाल। पश्चिमी मिदनापुर में भी बंद का कोई असर नहीं, खुले हैं दुकान और बाजार। आज इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव का दूसरा दिन, कई बड़ी हस्तियां बंगाल की सियासत पर कर रही हैं चर्चा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में गृहमंत्री अमित शाह ने किया बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा, कहा 200 से ज्यादा सीटों पर होगी जीत। अमित शाह ने नहीं किया बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का खुलासा, कहा बंगाल के बेटे को मिलेगी जिम्मेदारी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किया पलटवार, नफरत की राजनीति का मढ़ा आरोप। इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव में ममता बनर्जी ने जय श्री राम को लेकर भी दिया जवाब, पूछा जय सियाराम क्यों नहीं बोलती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता को एक और बड़ा झटका, राज्यसभा में टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा, कहा मुझे पार्टी में महसूस हो रही है घुटन। टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने कहा बंगाल के विकास के लिए दे रहा हूं इस्तीफा। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं।
दिनेश त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को बनाया मुद्दा, कहा जमीर इसे बधुआ मजदूर की तरह चुपचाप देखते रहने की नहीं दे रहा गवाही। एसीबी के बाद दिनेश त्रिवेदी के अब बीजेपी में शामिल होने की चर्चा, राज्यसभा में कोरोना काल में पीएम मोदी के प्रयासों की तारीफ की। आज राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट परिचर्चा पर दिया जवाब। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की जगह लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, संभालेंगे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी, कांग्रेस ने राज्यसभा अध्यक्ष को दी है जानकारी। दिल्ली के मंगोलपुर में रिंकू शर्मा की हत्या पर सियासी बवाल बढ़ा, बीजेपी युवा मोर्चा का था कार्यकर्ता। रिंकू के परिवार के मुताबिक धार्मिक टिप्पणी को लेकर पड़ोसी से रहता था मतभेद, बर्थडे पार्टी के दौरान बढ़ा झगड़ा, विवाद का वीडियो भी आया है सामने। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का पांचवा आरोपी ताजुद्दीन भी गिरफ्तार, पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। संबित पात्रा का ट्वीट, रिंकू शर्मा जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन का बयान, आरोपियों को फांसी देने की मांग की। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने रिंकू शर्मा की हत्या में खोजा राम मंदिर चंदे का कनेक्शन। दिल्ली पुलिस ने जारी किया बयान, जन्मदिन की पार्टी के दौरान शुरू हुआ था झगड़ा, रेस्टोरेंट बंद करने को लेकर विवाद। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी रिंकू शर्मा की हत्या का उठाया मुद्दा, ट्वीट में लिखा सॉरी हम आपको नहीं बचा सके, इंसाफ की मांग की। उत्तराखंड के चमोली में छठे दिन भी जिंदगी की तलाश जारी है, राहत और बचाव का काम। रात भर काम करती रही रेस्क्यू टीम, जेसीबी लगाकर डंपर से बाहर लाया जा रहा है मलबा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत काम में जुटी, सुरंग में 35 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। सुरंग में 15 मीटर की ऊंचाई तक भरा है मलबा, रास्ता बनाने की कोशिश जारी। आज से अब तक 36 लोगों की मौत, 168 लोग अभी भी लापता। बरामद शवों में से 9 लोगों की हो चुकी है पहचान, 12 लोगों की पहचान मुश्किल। धौली में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कुछ देर के लिए रोका गया था रेस्क्यू ऑपरेशन, पानी घटने के बाद फिर से हुआ शुरू। नदी के किनारों पर भी की जा रही है लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश, जी जान से जुटे हुए हैं आईटीबीपी के जवान। ग्लेशियर फटने के बाद ऊंचाई में पहाड़ों में कई जगह भारी जल जमाव, राज्य के डिजास्टर डिपार्टमेंट को दी गई तस्वीर। कांग्रेस नेता हरीश रावत आज त्रासदी पर सीएम रावत से करेंगे बात, जलवायु परिवर्तन से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पैदा दिक्कत पर होगी चर्चा। राहुल गांधी आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर, हनुमानगढ़ में कृषि कानून पर किया वार। राहुल गांधी ने कहा कृषि कानून से सिर्फ 4 लोगों को फायदा, देश के 40% लोगों को कृषि कानून से नुकसान, बोले हम 2 हमारे 2 के लिए कृषि कानून लाई पीएम। गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी आंदोलन जारी, प्रदर्शनकारियों के साथ डटे हुए हैं किसान नेता राकेश टिकैत। लुधियाना में किसानों ने की महापंचायत, किसान नेता बलबीर सिंह राज्यवाल का आरोप, प्रधानमंत्री ने उस समय किसान आंदोलन को पवित्र कहा जब सारी दुनिया में उनकी निंदा होने लगी। बरनाला में किसानों ने निकाय चुनाव प्रचार के दौरान किया हंगामा, बीजेपी उम्मीदवार का किया विरोध। जारी है किसानों का आंदोलन, सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने आगे की रणनीति का किया ऐलान। हरियाणा में किसानों का समर्थन कर रहे हैं खाप पंचायत, हिसार में पुनिया खाप ने किया दिल्ली कूच का ऐलान। धौलपुर में खेती कानूनों के खिलाफ लामबंद हुए किसान, ट्रैक्टर और बाइक पर निकाली रैली। लाल किला मामले के आरोपियों पर लगातार कस रहा है शिकंजा, पूछताछ में हिंसा की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है पुलिस। दिल्ली की सरहदों के साथ अब दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है किसान आंदोलन, यूपी राजस्थान हरियाणा में हो रही है किसान महापंचायतें। किसान आंदोलन के लिए करनाल से मदद, 150 निजी एम्बुलेंस सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना। किसान आंदोलन के 77 दिन पूरे, दिल्ली के 3 बॉर्डर पर जमे हुए हैं किसान। संयुक्त मोर्चा ने जारी किया बयान, आज मुरादाबाद के बिलारी में किसानों की पंचायत। संयुक्त मोर्चा की ओर से पूरे देश में पंचायतें आयोजित करने का ऐलान, आंदोलन का लक्ष्य है कर्जा मुक्ति पूरा दाम।
हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा किसान आंदोलन में आधे से ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित लोग। बिहार के गया में ननिहाल गए युवक की हत्या, भीड़ तंत्र का हुआ शिकार, लोगों ने पीट पीट कर मार डाला, वीडियो वायरल होने पर तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। फिरोजाबाद में आग से जली 10 दुकानें, लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में तमाम मुर्गे भी जले, आग पर काबू पाने की कोशिश में एक युवक झुलसा। मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। कैमूर में भोजपुरी गायक आलोक रंजन बिहारी ने की खुदकुशी, झगड़े के बाद पत्नी के मायके जाने से था परेशान। यूपी में रंग ला रही योगी सरकार की मिशन शक्ति योजना, गोंडा में महिला समूहों ने की आत्मनिर्भरता की पहल, कोई बना रहा नमकीन, कोई बना रहा अगरबत्ती। 12 में मंदिर की दान पेटी से 90,000 की नकदी चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। तेलंगाना के रचकोंडा में मजदूर बेटी और 16 साल की छात्रा बोर्ड परीक्षा से पहले खुदकुशी को हुई मजबूर, स्कूल प्रशासन पर बकाया फीस के लिए दबाव बनाने का आरोप। कुत्ते की पिटाई पर दिल्ली के भरतनगर थाने में FIR दर्ज, वीडियो था वायरल। समस्तीपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा मोस्ट वांटेड, पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार। बुलंदशहर के सॉल्वेंट फैक्ट्री में भीषण आग, कई दमकलों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यवतमाल में दिन दहाड़े 17 लाख की नकदी से भरा बैग चोरी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बारामती में जमीन विवाद में वृद्ध महिला की हत्या, सबूत मिटाने के लिए कुटिया में जलाया शव। गोरखपुर में बीजेपी विधायक से ठगी, ट्रैवल कंपनी ने पैसे लेकर भी बुक नहीं कराया हवाई टिकट। बाराबंकी में रिश्वत लेते पुलिस वाले कैमरे में कैद, सिपाही को किया गया सस्पेंड। हावड़ा में मां बेटे ने की आत्महत्या, बेटे की विकलांगता को लेकर परेशान था परिवार। वाराणसी में बेटियों हॉस्टल के छात्रों में मारपीट, हवाई फायरिंग में एक घायल। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का शातिर अपराधी गिरफ्तार, लूट डकैती हत्या के केस हैं दर्ज। जोधपुर में हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़, 9 पिस्टल बरामद। बाराबंकी में नशीली दवा मारफिन तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ की मारफिन बरामद। अमेरिका में रॉबर्ट एफ कैनेडी का इंस्टाग्राम अकाउंट बर्खास्त, कोरोना पर गलत तथ्य पोस्ट करने पर हुआ है एक्शन। डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ी, डेमोक्रेट सांसदों ने कहा ट्रंप ने हिंसा को भड़काया। टेक्सास हाईवे पर भीषण हादसे में 5 की मौत, 70 गाड़ियां टकराई। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप के स्टाफ के कोरोना वैक्सीनेशन पर रूस कर रहा है विचार, जून जुलाई में होने हैं मैच। अमेरिकी चिप निर्माता कंपनियां सरकार से चाहती हैं मदद, राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखी चिट्ठी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।